सीधे उसका हम रुख करेंगे। राजधानी दिल्ली से ये खबर है जहां के मुनिरका इलाके में एक छात्रा को घर में घुसकर गोली मार दी गई है। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया है। 12वीं की यह छात्रा बताई जा रही है। दिल्ली के मुनिरका से यह खबर है, एक शख्स ने घर में घुसकर ही छात्रा को गोली मारी। रजनीश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। रजनीश, कब का है ये मामला? ये छात्रा अब से कुछ देर पहले का मामला है। इसमें मुनिरका में एक बुद्ध विहार एक इलाका है जहाँ पे एक घर है जिसमें घुस के एक युवक ने एक युवती को गोली मारी। इस युवती का नाम पिंकी बताया जा रहा है। ये जो है जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त घर में पिंकी और उसकी जो ताई मौजूद थी, लेकिन अचानक ये युवक घर में घुसा, उसने अंदर से गेट बंद किया और युवती को गोली मारी। युवती के चेस्ट में गोली लगी जिसके बाद युवक वहां से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस उससे लेकर सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन यहां पे पहुंचते ही जैसे ही युवती को एडमिट कराया गया वहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये कोशिश कर रही है जानने की कि वो लड़का कौन था और कहां से आया था और उसकी क्या दुश्मनी थी इस लड़की से। हर एंगल से जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल, हर एंगल से जांच कर रही है। क्या जिस शख्स ने गोली मारी है वो जान पहचान का था, किसी ने देखा उसे, कोई इस बारे में जानकारी आपके हाथ लगी हो? देखिए चित्रा, ये अब से महज कुछ ही देर पहले की घटना है और ये घटना इतनी जल्दबाजी में हुई कि कोई उसे नहीं देख पाया। हालांकि फिलहाल पुलिस जो है उसकी ताई से जरूर बात कर रही है, जो युवती है पिंकी उसकी ताई से जरूर बात कर रही है, लेकिन अभी तक सामने आके कोई नहीं बोल पाया है। कोई भी घर का मेंबर किसी ने सामने आके कुछ नहीं बोला कि वो युवक कौन था, कौन उसे जानता था या नहीं जानता था। फिलहाल ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन का विषय है क्योंकि अभी कुछ देर पहले ये घटना घटी है और युवती की इस घटना में मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस जो है उस युवक के बारे में पूछताछ जरूर घर वालों से करती है। जी बिल्कुल, अस्पताल ले जाते वक्त छात्रा की मौत हो गई। एक शख्स ने घर में घुसकर छात्रा को गोली मारी है। जिस वक्त इस हमले को अंजाम दिया गया, इस गोलीबारी को किया गया, उस समय कौन कौन से लोग घर में मौजूद थे? देखिए चित्रा, जिस वक्त ये युवक घर में घुसा था उस वक्त युवती के अलावा जिस तरीके से पता चला है कि उसकी एक ताई जो घर में मौजूद थी, लेकिन उसकी ताई ने उस युवक को देखा या नहीं देखा ये फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का विषय है। कितना पता लगा कि हमारे पुलिस सूत्रों के मुताबिक युवक एकदम झटके से घर के अंदर घुसा, उसने घर के अंदर अंदर से कुंडी लगा दी, उसके बाद उसने युवती को गोली मारी, युवती के चेस्ट में गोली लगी, जिसके बाद युवती को गोली मारते ही वो युवक वहां से फरार हो गया। चलिए शुक्रिया रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली के मुनिरका इलाके की घटना है जहां पर दिनदहाड़े एक शख्स एक लड़की के घर में घुसता है और गोली मारने के बाद फरार हो जाता है। अस्पताल ले जाते वक्त छात्रा की मौत हो गई है। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुट गई है।